हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग। आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी। शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप उस पर अमल करें और आप अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ इसी तरह से जिए। देखो, बचपन होता है वो तो पता नहीं चलता कब चला गया, कब आया था। जल्दी से जवानी आ जाते हैं। जब हम 18 के होने लगते हैं तो सोचते हैं आगे बढ़कर तो अपना टाइम आएगा, भाई हम तो ऐश करेंगे। पर अपना टाइम आता ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई दौड़ भाग में सब निकल जाता है। 30 के होते हैं तब लगता है अब तो अपना टाइम अब तो ज़रूर आएगा, क्योंकि हम जवान हो चुके हैं, घर बस आ चुके हैं, फिर भी अपना टाइम नहीं आता, क्योंकि घर के झंझट में बस फंस जाते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी खुशियाँ, ये सब मिलती हैं, पर वो जीवन नहीं मिलता। वो अपनी ख्वाहिशें कर टाइम अपनी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता। धीरे धीरे हम 40 के होने लगते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ, बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है, ऐसे ये बनाना है, वो बनाना है, बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है, फिर भी अपना टाइम नहीं आता। धीरे धीरे हम 50 के हो जाते हैं, 50 के हो जाते हैं तो बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, पोते पोतियाँ घर में आ जाते हैं, बस पोते पोतियाँ में टाइम पास करते हैं, घर से बाहर निकल नहीं सकते। टाइम बीतता ही चला जाता है, बीतता ही चलता है। सोचेंगे हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पर अपना टाइम तो आता ही नहीं, क्योंकि पोते पोतियों में व्यस्त हो जाते हैं। मगर अपना टाइम कब आएगा? तब तक तो हमारे लिए जमा पूंजी जो थी वो बच्चों की पढ़ाई में ख़त्म हो गई है, जो जमा पूंजी थी हमारी वो बच्चों की शादियों में ख़त्म हो गई है। अपना टाइम बिल्कुल आता ही नहीं है। बच्चों से कुछ मांगने को जी नहीं करता, क्योंकि बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, महंगाइयाँ बहुत हो गई हैं। बच्चे अपना घर पूरा करें कि अपने बूढ़े माँ बाप को देखें, उनसे भी मांगने को दिल नहीं करता, क्योंकि वो ना नहीं करेंगे पर तंग होएंगे ज़रूर। फिर धीरे धीरे 60 के होने लगते हैं, जैसे मैं 60 के हो गए तो अब तो बस यही सोचते हैं कि अब तो जाने की तैयारी हो गई है, अब क्या घूमना फिरना, क्या करना है। जी नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं 60 की हूँ, मैं घूमती हूँ, फिरती हूँ, ऐश करती हूँ। बच्चों के लिए भी रखा था, अपने लिए भी बचा के रखा है। बच्चे भी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं हमारी, हम भी बच्चों की पूरी करते हैं, इसी तरह जीवन व्यतीत होता है। इसलिए जो चल रहा है उसे चलने दो, अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालो, क्योंकि जान है तो जहान है। बाद में शरीर नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, इससे अच्छा पहले ही एंजॉय करो। आपको मेरी पोस्ट अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा। नमस्ते।